अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं छेना मलाई खीर। ये देखिए छेना मलाई खीर कितनी अच्छी बनी है हमारी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये मैंने लो फैट मिल्क ली हूँ। ये एक लीटर है मेरा दूध। ये मैंने पहले आधा लीटर डाली थी, अभी आधा लीटर डाल दी हूँ। और इसको हम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। खाली एक उबाल आने तक का हम गरम करेंगे। अब ये देखिए, अब एक उबाल आ चुका है और ये दूध थोड़ा थोड़ा अभी पक रहा है। अब इसे हम बंद कर देंगे और इसको दो मिनट तक का हम लोग ऐसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। ये मैंने विनेगर ली हूँ दूध को फाड़ने के लिए, या तो सेट्रिक एसिड या फिर आप नींबू से भी कर सकते हैं। मैंने दो चम्मच विनेगर ले ली हूँ और दो ही चम्मच मैं पानी लूँगी। आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन विनेगर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और चलाते जाऊँगी हल्के हाथ से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया है। अब एकदम अच्छी तरीके से हो गया है, फट गया है। जब ऐसा पानी ग्रीन ग्रीन हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि अब हो चुका है। अब इसके जो बचा हुआ है पानी हम साइड में कर देंगे और इसको अब हम एक छलनी के ऊपर कपड़ा रखेंगे कॉटन का, और इसको हम उसमें डाल के छान लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा छान ली हूँ। इसके नीचे जो पानी है उसको आप, दूध का जो पानी है फटा हुआ उसको आप आटा सानने में ले सकते हो या फिर पुलाव बनाने के लिए डाल सकते हो। बहुत अच्छा होता है, हेल्दी। अब मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से धुल रही हूँ ताकि हमारा खट्टापन जो है इसमें निकल जाए। वापस से अब मैं पानी डालूँगी। ये प्रोसेस मैं तीन बार करूँगी ताकि एकदम अच्छी तरीके से इसमें सारी खटास जो है वो निकल जाए। दो बार हो चुका है। अब मैं ये लास्ट बार करूँगी और इसमें लास्ट टाइम पे मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। और इसको हम हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से ऐसा दबाते हुए पोटली बना देंगे। और इसको कोई भी वजन चीज़ से, मतलब बहुत ज़्यादा वजन नहीं लेना है। मैंने ये रख दी हूँ, इसको दो घंटे के लिए मैंने रख दी हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। पहले फाड़ने के लिए मैंने लो फैट ली थी, अभी ये फुल फैट मिल्क ले रही हूँ बफेलो का। ये एक लीटर दूध मैंने एक तरफ चढ़ा दी हूँ, वो पक रहा है धीरे धीरे। अब दूसरी तरफ मैं चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी शक्कर ली हूँ, उसमें करीब एक लीटर में पानी डाल दूँगी। उससे ज़्यादा भी आप डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये चाशनी हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। अब मैं अपना चूल्हा ऑन करके इसको धीरे धीरे पकने देती हूँ। अब ये दो घंटा हो चुका है। अब मैं देख रही हूँ इसमें ये अच्छी तरीके से, ये देखिए एकदम सूखा हो गया है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, हमको ऐसा ही चाहिए। अब इसको ये देखिए, ये एकदम बिखर रहा है ना। अभी जैसे ही हम लोग धीरे धीरे ये ऐसा मैश करते जाएंगे वो आपस में जुड़ते जाएगा। और उसको हमको हथेली की मदद से करना है, जिसको हम ऐसा मसल मसल के इस तरीके से। अब ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते रहेगा जैसे जैसे हम मसलते रहेंगे। ये प्रोसेस हमको 5 से 7 मिनट तक का करना है और फिर ये आपस में एकदम अच्छी तरीके से एक लो फॉर्म में आ जाएगा, एकदम जुड़ जाएगा। जैसे जैसे ये चिकना होते रहेगा, ये देखिए अब एकदम इकट्ठा हो चुका है ये।
और हमारे हाथ में भी ना एकदम चिकना चिकना घी के जैसा लगने लगेगा। तब हमको समझ जाना है कि अब ये रेडी हो चुका है। ये देखिए अब एकदम ये बनने लगा है। अब इसमें मैं एक चम्मच से भी कम मैदा डाल रही हूँ, एकदम आप देख सकते हैं एकदम जरा सी मैंने मैदा ली हूँ। मैदा आपको ज़्यादा नहीं डालना है वरना आपके जो छेना है वो अच्छा नहीं बनेगा। खाली मैदा इतना ही डालना है। ये देखिए घी के जैसा मेरे हाथ पे लगने लगा है। उतना ही डालना है कि वो उबलने के टाइम पे बिखर ना जाए। अब मैं मैदे को भी एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ इसमें। अब ये गोली बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब इसमें से मैं एकदम छोटी छोटी सी गोलियां बनाऊंगी क्योंकि मैं इसकी खीर बना रही हूँ तो उसमें छोटे छोटे ही मुझे ये लगेंगी गोलियां। और ये अभी उबलने के बाद इसकी डबल हो जाने वाली है तो मैं एकदम इसको चिकनी इस तरीके से हाथ से चिकनी गोलियां छोटी छोटी बना लूँगी। ये देखिए मैंने सारी गोलियां बना ली हूँ। 1 लीटर में से मेरी कुछ 33 गोलियां बन के रेडी हो गई है। दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी अब पकने लगी है। ये देखिए एकदम अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब मैं ये एक एक करके डालूंगी। आपका झाग बना रहना चाहिए, जैसे पानी उबल रहा है ना वैसे ही उबलना चाहिए। कौन से भी टाइम पे आपका ये झाग रुकना नहीं चाहिए जैसे उबल रहा है पानी। तो मैंने एक तरफ से ढक दी हूँ और थोड़ा सा खुला करके एक एक करके मैं सारी गोलियां इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने चाशनी इसलिए ज़्यादा बनाई थी ताकि ये ऊपर एकदम फ्लोट कर रहे। और ये हम 15 से 20 मिनट जब पकाएंगे तो धीरे धीरे चाशनी भी कम हो जाएगी। इसे मैं देखिए अभी 5 ही मिनट पकते हुए हुआ है लेकिन हमारे बॉल्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं आप देख सकते हो। दूसरी तरफ मेरा दूध भी कर्ड हो रहा है, एकदम कर रहा है। ये देखिए उबल उबल के पक रहा है। अब इसे हम पकने देंगे। दस मिनट हो चुका है। हमारी गोलियां देखो कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। अब मैं चम्मच से हल्के हाथ से इसको इस तरीके से हिला रही हूँ और दूध भी हमारा दोनों तरफ दोनों काम हो रहा है हमारा साथ साथ में। अब ये एकदम अच्छी तरीके से पक गया है। इसे पकने के लिए मुझे टोटल 20 मिनट लगा था। पहले मैंने 10 मिनट के लिए फास्ट करके पकाई थी फिर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पका ली हूँ। तो इसे मैं मुझे पकने में 20 मिनट लगा है और ये एकदम पक के रेडी है। अब इसे मैं अलग बर्तन में निकाल के कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये पूरा एकदम रस अंदर तक का चूस लेवे। और उसमें मैंने ये डाल दी हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए केसर का। 4 घंटे बाद मैं देख रही हूँ तो एकदम अच्छी से ये देखिए कितना अच्छी से ये चाशनी चूस ली है और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको जैसे मैं पानी चाशनी में डाल रही हूँ वापस से वो अपना शेप ले रही है और जब मैं दबा रही हूँ तो एकदम चपटी हो जा रही है। इससे पता चलता है कितना अच्छी से हमारा छेना बन के तैयार हुआ है। ये देखिए डालते ही वो फटाक से वापस से चाशनी पूरी चूस रही है। ये कितने अच्छा सा हमारा छेना बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस
ये बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ये देखिए मैंने दूध को वापस से अब गर्म करने रख दी हूँ और इसमें मैं शक्कर का पाउडर डाल रही हूँ। शक्कर का पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें 4 से 5 मैंने इलायची डाल के पीस ली हूँ। आपको इलायची के दाने अभी दूध में दिख रहे होंगे, ये देखिए सारे इलायची के दाने दिख रहे हैं। आप खड़ी शक्कर भी डाल सकते हो लेकिन मुझे इलायची के दाने पीसने थे इसलिए मैंने शक्कर को पीस ली थी। अब दूध भी उबलने लगा है, इसमें मैं एक एक करके अपने छेने डाल दूंगी। ये देखिए काले काले इलायची के जो दाने दिख रहे हैं इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। मैंने सारे डाल दी हूँ। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और बीच बीच में से हम चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। केसर इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसमें बहुत अच्छा सा एकदम कलर आ जाएगा धीरे धीरे पकते पकते। और ये पकते पकते ना दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा करते करते। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट हुआ है और ये इतना अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। साइड में जो मलाई वगैरह लगी है वो भी मैं ऊपर से सब इसके अंदर डाल दूंगी ताकि इसको गाढ़ा होने के लिए जल्दी से वो गाढ़ा हो जाए। और फिर 5 मिनट के बाद देखिए और ज़्यादा हो चुका है ये, और कितना कम भी गाढ़ा हो चुका है और कितना कम हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी खीर अभी बन के तैयार हो जाएगी। 5 मिनट और छोड़ने के बाद ये देखिए अब एकदम से ये बन के रेडी है। हमें इतना ही पतला चाहिए, फिर ये 4 से 5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में डालूंगी तो एकदम अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। अभी बस मुझे ऐसा ही चाहिए और इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट रात भर के लिए मैं फ्रिज में डाल दूंगी, तभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये पूरा चूस लेगा। ये देखिए 5 घंटे हो चुके हैं, मैंने रात भर के लिए फ्रिज में डाल दी थी। अब ये देखिए कितनी अच्छी इसमें मलाई और ये कितना गाढ़ा हो चुका है। ये खाने में इतना टेस्टी है कि आप रसमलाई का टेस्ट भूल जाओगे, ये इतना टेस्टी है। अब इसे मैं केसर और कुछ बादाम के स्लाइस से डेकोरेट कर रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा।